YouTube, this is Rachita and you are watching Healthy Life. Today's video is all about my weight loss journey part 2, and in this video I'm going to share with you 7 steps which will really help you to start your journey. These 7 steps ko follow karke maine apni journey shuru ki thi aur mujhe amazing results mile hain. To maine socha ki main ye 7 steps aap logo ke sath bhi main share karu. So beginners, it's for you if you are actually trying to lose weight and achieve a healthy lifestyle. So please watch the video till the end, and before start the video, please subscribe my channel and press the bell icon so that whenever I post a new video, you can notify. So do not waste any more time. Let's start the video. So your first step is you have to create a goal. और इसमें आपको पहले एक मंथ को टारगेट करनी है कि उस महीने तक आपको अपना वजन कम करना है. लाइक अगर आपको 12 किलो वजन कम करनी है और आप अपनी वेट लॉस की जर्नी अप्रैल में शुरू कर रहे हैं, तो आप टारगेट बनाए कि अक्टूबर में, अक्टूबर तक मुझे अपना वेट लॉस करना है. बिलीव मी गाइस, ये जो टारगेट मंथ है, ये आपको अपनी गोल तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है और आपकी ये जो जर्नी है इसको बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बनाती है. क्योंकि जब आप देखोगे कि हर एक महीने में आपका 1.5 किलो या फिर 2 किलो वजन कम हो रहा है, तब आपके लिए ये कभी भी एक बोरिंग नहीं बनेगा. तो आप इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट पाओगे और ये जो जर्नी है ये आपकी बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग बन जाएगी. लेकिन प्लीज गाइस, आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू कि ऐसे कोई गोल मत क्रिएट करना जहाँ पे 2 या 3 महीने में आपका 10 किलो या फिर 12 किलो वजन कम हो जाए. ये पॉसिबल नहीं है. हेल्दी वे में कभी भी इतने कम समय में इतना ज्यादा वेट लॉस कभी भी पॉसिबल नहीं है. गाइज, आपको एक चीज समझनी है कि आपने जितना वेट गेन किया है वो 2 या 3 महीने में तो नहीं किया है, आपको वक्त लगा है उस वेट को गेन करने में. तो आप ऐसे कैसे सोच लेते हैं कि अगर आपका वेट गेन होने में 1 साल 2 साल 5 साल लगे तो 2 या 3 महीने में आपका वेट लॉस हो जाएगा? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके वेट गेन होने में आपको जितना वक्त लगा है उतना ही वक्त आपको वेट लॉस होने में भी देना बहुत जरूरी है. प्लीज गाइस, पेशेंस के साथ अपना गोल क्रिएट करिए, क्योंकि पेशेंस वेट लॉस में बहुत बहुत जरूरी है. हमें परमानेंट वेट लॉस करनी है, कोई टेम्पोररी वेट लॉस नहीं करनी है. और हेल्दी तरीके से परमानेंट वेट लॉस करने के लिए हमें एक अच्छी गोल क्रिएट करना, पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो गाइस, अगर आप इस वेट लॉस जर्नी में जर्नी को शुरू करना चाहती है, तो प्लीज आपका जो पहला स्टेप होना चाहिए वो है आप एक डायरी मेंटेन करें जहाँ पे आपका रिसेंट वेट, आप कितना किलो कम करना चाहते हैं, टारगेट मंथ, कितने महीने में आप वेट लॉस करना चाहते हैं, वो सारे चीज नोट डाउन करें. और हर एक महीने में आपका कितना किलो वजन कम हो रहा है वो भी नोट डाउन करें. तो ये सारे चीज आपको डायरी में नोट डाउन करना बहुत जरूरी है और एक अच्छी और हेल्दी तरीके से अपना वेट लॉस करनी है. एंड सेकेंड स्टेप इज डाइट. डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट अ हेल्दी डाइट आप कभी भी वेट लॉस नहीं कर सकते और अपना जो हेल्दी लाइफस्टाइल की गोल है उसको अचीव नहीं कर सकते हैं. डाइट का रोल सबसे ज्यादा है वेट लॉस में. पर प्लीज गाइस, डाइट का मतलब भूखा मरना नहीं होता. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि डाइट का मतलब है भूखा मरना. नो गाइस, बिल्कुल भी नहीं. डाइट का मतलब है आपको हर 2 या 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना ही है, क्वांटिटी को मेंटेन करके. लेकिन इस बारे में मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे क्रैश डाइट है, जैसे कि एक डाइट की हर एक मील पे सिर्फ एक कंज्यूम करना है, चिकन डाइट की हर एक मील पे सिर्फ चिकन कंज्यूम करना है. ऐसे कोई क्रैश डाइट आप प्लीज फॉलो मत करना, क्योंकि ये सारे जो क्रैश डाइट होते हैं शायद आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा वेट लॉस कर पाए, लेकिन ये हेल्दी नहीं होता है. और आप जितना वेट लॉस करते हैं उससे डबल वेट गेन आपका बहुत जल्दी हो जाता है. सो प्लीज ऐसे कोई वेट लॉस के लिए ऐसे कोई क्रैश डाइट आप फॉलो मत करना, तो बेहतर है, क्योंकि हमें हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना है और एक परमानेंट वेट लॉस करनी है. आप ऐसी कोई डाइट मत फॉलो करना जो आप लाइफ लॉन्ग तक नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि मैं डाइट कर रही हूँ. क्योंकि आप जब सोचते हो ये कि आप डाइट कर रहे हो तो वो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं. इसलिए मैं कभी भी ये नहीं सोचती थी कि मैं डाइट लूँ.
क्योंकि मेरी डाइट में कोई पर्टिकुलर एक ही चीज मैं नहीं खाती थी, बहुत सारे वैरायटीज थे, बहुत सारे हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपीज मैं बनाती थी जो मैं लेती थी, और वो सारे रेसिपीज मैं इस चैनल के दौरान आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी बहुत ही जल्दी। तो मैं अपनी डाइट को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग करना पसंद करती थी, अभी भी करती हूँ, ताकि मैं वो लाइफ लॉन्ग तक कर सकूँ। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि डाइट में आप सिर्फ सैलड और सिर्फ सूप खा के आप उसको लाइफ लॉन्ग तक नहीं कर सकते। तो आपकी डाइट में वैरायटीज रेसिपी होनी चाहिए जो हेल्दी हो, डेफिनेटली हेल्दी हो और जो टेस्टी। और डाइट की सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि डाइट में आप जो डाइट मेंटेन कर रहे हैं वो सिर्फ लो कार्ब हाई प्रोटीन ऐसी कोई डाइट नहीं होनी चाहिए। आपकी जो डाइट होनी चाहिए उसमें तीनों ही चीजें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, यानी कि गुड फैट सोर्स लाइक आलमंड्स, एनी टाइप ऑफ नट्स, चिया सीड्स, कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये जो गुड सोर्सेस है फैट की, ये सारे फैट भी अपनी डाइट में होनी बहुत जरूरी है। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड गुड फैट, ये तीनों ही अपनी जो डाइट होगा उसमें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सारे जो डाइट है इसको आप लाइफ लॉन्ग तक मेंटेन नहीं कर सकते। तो आप ऐसी कोई डाइट मत करना लाइक एक डाइट या फिर चिकन डाइट जो जिसमें हर एक मील पे आपको सिर्फ एक और सिर्फ चिकन कंज्यूम करनी है, ये आप कभी भी लाइफ लॉन्ग तक नहीं कर सकते। और एक टाइम के बाद ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बोरिंग बन जाता है। लेकिन हमारी मार्केट में वैरायटीज दाल मिलती है, दाल लीजिए आप, सोयाबीन लीजिए, प्रोटीन लीजिए, इससे आपकी जो डाइटिंग बहुत मजेदार बनेगी क्योंकि आप सब ले रहे हैं। तो आपको कभी भी ऐसे नहीं लगेगा कि मेरी डाइट बहुत बोरिंग है, सिर्फ सैलड और सूप कंज्यूम करते। डेफिनेटली आपके डाइट में सैलड और सूप होना बहुत जरूरी है डेफिनेटली, लेकिन सिर्फ सैलड और सूप आप लाइफ लॉन्ग तक नहीं कर सकते। इसलिए आप वैरायटीज डाइट को मेंटेन करें जो डेफिनेटली हमारे मार्केट में अवेलेबल है। हमारी मार्केट में वैरायटीज ऑफ दाल हमेशा मिलती है, फिश मिलती है, एग्स मिलती है। तो ये जो चीजें हैं आप सबको एक कॉम्पैक्ट करके अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि हमें हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना है और एक पल भर में वेट लॉस करना है। और गाइस, अगर आपको कोई डाइट प्लान चाहिए जो फॉलो करके मैंने अपनी वेट लॉस की है और अभी भी मेंटेन करती हूँ, तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में बताना, मैं जरूर आपके लिए वो डाइट प्लान शेयर करूंगी जो मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में किए थे और अभी भी करती हूँ मेंटेनेंस में। थर्ड स्टेप इज एक्सरसाइज। यस, एक्सरसाइज इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। हम सबको ये पता है कि वेट लॉस में डाइट का रोल सबसे ज्यादा है, ये सही है, पर एक्सरसाइज भी डाइट के साथ इक्वली इम्पॉर्टेंट है अगर आप हेल्दी तरीके से फास्ट वेट लॉस करना चाहते हैं। एक्सरसाइज इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। आपको अगर वेट लॉस करनी है तो आपको हाई इंटेंसिटी कार्डियो करना जरूरी है, वोट करना जरूरी है, स्ट्रेंथ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पर अगर आपके पास वक्त नहीं है ये सब करने की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ वॉक कीजिए। आप इवनिंग वॉक कर सकते हैं, आप मॉर्निंग वॉक कर सकती है, या फिर रनिंग कर सकते हैं। आपको खुद आप खुद फील कर सकते हैं कि आप कितना ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे और कितना ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे। तो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक्सरसाइज के बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल में भी आएगी जहाँ पे 30 मिनट का या फिर 45 मिनट का एक कॉम्पैक्ट एक्सरसाइज होगा जहाँ पे कार्डियो, पोल्स, पे सारी जो ट्रेनिंग है वो एक साथ में अपलोड करूंगी। एंड द फोर्थ स्टेप इज ड्रिंकिंग वाटर। Water has many health benefits. It's detoxifies your body, it's reduced swelling and keeps your body clean. We all know that. और water हमें overeating से भी बचाती है, क्योंकि हर एक meal को consume करने के एक या डेढ़ घंटे बाद हमें थोड़ा थोड़ा भूखा महसूस होता है और तब भी हमारी नजर जाते हैं कुछ ना कुछ स्नैक्स की तरफ, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, केक्स, इसके तरफ। और यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारी वेट गेन के लिए। और पानी पीना इस चीज से हमें बचाती है, क्योंकि अगर हम हमारी मील कंज्यूम से एक घंटा या फिर हाफ आवर पहले एक ग्लास पानी पी के हमारी मील को कंज्यूम करें, तो वो पानी क्या करते हैं, हमें फिलिंग महसूस करते हैं। तो उसके बाद आप जब अपना ब्रेकफास्ट हो या फिर डिनर हो या फिर लंच कोई भी हो, आप जब वो कंज्यूम करते हैं तो उसके बाद आपको कभी भी
भूखा महसूस नहीं होता। तो ये आपको ओवरईटिंग से बचाती है, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो पर डे आपको 2.5 और 3 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। और जब आप सवेरे उठते हो तब डेफिनेटली आपको हॉट वाटर 500 या फिर 1 लीटर पीना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर वेट लॉस एंड फॉर अचीव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। फिफ्थ स्टेप इज नो शुगर चैलेंज। आई नो ये बहुत ही ज्यादा टफ है, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मेरी जो सबसे वीक पॉइंट था वो है डेजर्ट्स। मेरी हर एक मील डेजर्ट्स के अलावा कंप्लीट नहीं होती। मेरे लिए डेजर्ट्स को छोड़ना, डेजर्ट्स को बाय बाय बोलना, इट्स वेरी टफ। पर डेजर्ट्स वेट लॉस का सबसे बड़ा एनिमी है, तो उसे छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको एक चैलेंज की तरह लाइक 20 डेज या फिर 25 डेज का एक चैलेंज बनाती थी कि ये 20 डेज में या फिर ये 25 डेज में मैं कोई भी शुगरी चीज़ें, शुगरी जो डेजर्ट्स या फिर केक्स, किसी को भी मैं नहीं खाऊँ। और उसके बाद आफ्टर 20 डेज या फिर आफ्टर 25 डेज एज अ रिवॉर्ड मुझे एक डिजर्ट मिली, और जिसको मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश होकर अच्छी तरह से विदाउट एनी गिल्ट मैं वो दे। और धीरे धीरे करते करते ये जो डेजर्ट्स की तरफ मेरी वीक पॉइंट है ये कम होते गए, और मेरी जो टंग टेस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बदलने लगी, क्योंकि हर एक चीज़ को हैबिट से होने के लिए हमें 21 डेज तो लगती ही है। तो धीरे धीरे पहले मैं 20 डेज का चैलेंज लेती थी, फिर 25 डेज का, फिर 30 डेज का, फिर 35 डेज का, ऐसे 5 दिन बढ़ाते बढ़ाते मैंने अपनी चैलेंज को भी बढ़ाया। और अभी 8 महीने के बाद ऐसा है कि जब पहले डेजर्ट को देखकर ही मेरी लालच, मतलब मैं वो बता नहीं सकती, पर अभी वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। मुझे डेजर्ट को देखने के बाद भी मुझे उतनी ज़्यादा लालच नहीं होता। ऑब्वियसली आई लाइक डेजर्ट, मैं अभी भी डेजर्ट कंज्यूम करती हूँ, पर हर एक महीने में मैं डेजर्ट कंज्यूम नहीं करती हूँ, हर एक हफ्ते में मैं डेजर्ट कंज्यूम नहीं करती हूँ। डेफिनेटली मैं ओकेशनली अपनी पसंद की जो डेजर्ट होती है वो कंज्यूम करती हूँ, पर एक लिमिटेशन में, और मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। तो प्लीज़ गाइस, अगर आप मेरी ही तरह डेजर्ट लवर है तो आप इसको एक चैलेंज की तरह लें। आप एक 15 डेज का या फिर 10 डेज का चैलेंज लें कि 10 डेज के बाद, 15 डेज के बाद मुझे एज अ रिवॉर्ड डेजर्ट मिलेगा। और ये जो 15 डेज है या 15 डेज है, मैं इन दिनों में डेजर्ट्स को टच भी नहीं करूँगी। ये आपके लिए एक चैलेंजिंग भी होगा, और धीरे धीरे आपका टंग टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा यू नो बदलते जाएंगे। तो नो शुगर चैलेंज इस तरह से मैंने अपने लिए लिए थे, क्योंकि बिरयानी, चाइनीज, ये सारी चीज़ मुझे उतनी पसंद नहीं थी जितनी कि डेजर्ट्स। मेरे लिए मेरी वेट लॉस जर्नी में सबसे मुश्किल डेजर्ट्स को छोड़ना था। And the sixth step is balancing. Balancing is very much important. क्योंकि जब हम अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करते हैं, तब अगर हम 15 डेज के बाद या फिर 7 दिनों में कोई भी अनहेल्दी चीज़ें खा लेते हैं, तो हमारे अंदर एक गिल्ट सा महसूस होता है। हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि हमने ये क्या गलती कर लिया। तो ये जो स्ट्रेस है ये बहुत कॉमन है, और मुझे भी ऐसे फीलिंग्स होते थे। लेकिन गाइस, ये स्ट्रेस आपकी वेट को गेन करता है। तो आपको समझनी है कि अगर कोई अनहेल्दी चीज़ मैं खा भी लेती हूँ तो उसको मुझे बैलेंस करना है, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ओकेशन वेरी कॉमन, किसी की शादी हो, पूजा हो, बहुत सारे ओकेशन हमें लगे ही रहते हैं। और ये सारे ऑपरेशन को अवॉइड करके हम कभी भी अपना वेट लॉस नहीं कर सकते, हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर सकते। लाइफ इज वन, विदाउट एनी ऑकेशन, विदाउट एनी पार्टीज हम जी नहीं सकते। तो ये जो पार्टीज है, ये जो ऑकेशन है, इसको हमें अटेंड भी करना है, इसको हमें इंजॉय भी करना है, हमें अच्छी तरह से खाना भी है, और अपना वेट भी लॉस करनी है, और हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन भी करनी है। तो इतने सारे चीज़ हमें करनी है, तो स्ट्रेस लेके हम वो नहीं कर सकते। बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई ऑकेशन आपको आती है, किसी की शादी हो, किसी की बर्थडे हो, पार्टी हो, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे जाए, डेफिनेटली अपना खाना खाए, और आप उसको जस्ट मजा लेके खाओ, क्योंकि आप वो अनहेल्दी
वाली चीज जो आपकी पसंद की है लाइक पेस्ट्री या फिर चिप्स या फिर बिरयानी कोई चाइनीज कुछ भी हो तो वो आप एक दिन ही खा रहे हो वीक से या फिर मंथ से तो उसको आप बहुत ही मजा लेके खाओ एंड उसके बाद 7 दिन या फिर उसके पहले के 7 दिन आप उसको बैलेंस करो तो ये एकदम कॉमन है वो जो स्ट्रेस आपके अंदर होते हैं उसको कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए ये बैलेंसिंग के ऊपर मेरी अपकमिंग वीडियोस डेफिनेटली आएंगे तो आप उस वीडियोस को देख के और भी ज्यादा आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको बैलेंसिंग करनी है तो बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेट लॉस विदाउट स्ट्रेस बिकॉज स्ट्रेस आपकी वेट गेन को बहुत ही ज्यादा मदद करती है स्ट्रेस से आपका वेट गेन होता है तो बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ इज वन सो प्लीज आप हर एक ओकेशन को एंजॉय करें हम कोई भी ओकेशन को अवॉइड करके हमारी वेट लॉस हम नहीं कर सकते ये पॉसिबल नहीं है तो हम ओकेशन पे अटेंड करनी है और उसको एंजॉय भी करनी है तो प्लीज आप गिल्ट फ्री होके खाएं और बाकी जो नहीं उसमें आप बैलेंस करें जिंजर ग्रीन टी इज वेरी इंपॉर्टेंट उसको भी कंज्यूम करें तो आप धीरे धीरे अपना वेट लॉस भी कर पाएंगे और इस जर्नी में आपको कभी भी बोरिंग महसूस नहीं होगा एंड द 7th स्टेप एंड लास्ट स्टेप इज ग्रीन टी ग्रीन टी इज वेरी इंपॉर्टेंट वेट लॉस में हेल्दी रहने में ग्रीन टी इज अ मेजर पार्ट ग्रीन टी इज बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म ग्रीन टी को कंज्यूम करने से आपको यू नो कभी भी भूखा महसूस नहीं होगा आपको बहुत ज़्यादा यू नो ब्लोटिंग फील नहीं करेंगे तो ग्रीन टी पीना बहुत ज़रूरी है और प्लीज़ ग्रीन टी में आप चीनी डाल के मत पीना उसको नॉर्मल ही पीना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको ग्रीन टी का जो टेस्ट है वो पसंद नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा जिंजर या फिर थोड़ा सा दालचीनी ये सारे देके आप एक बार ट्राई कर सकते हो शायद आपको उसका टेस्ट अच्छा लगे ग्रीन टी को कंज्यूम करें कि बिकॉज ग्रीन टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेट लॉस ग्रीन टी आपकी जो फैट होता है उसको बर्न करते हैं और ग्रीन टी को प्लीज आप खाली पेट एम्प्टी स्टमक पे कभी भी मत पीना क्योंकि खाली पेट अगर आप ग्रीन टी लेते हो तो इससे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एसिडिटी हो सकते हैं बहुत सारे हार्ट डिजीज भी हो सकते हैं तो आप एम्प्टी स्टमक में इसको प्लीज मत लेना आप इसको अपने हर एक मील से 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा पहले ले सकते हैं या फिर अपनी हर एक मील से 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा बाद आप ग्रीन टी को ले सकते हैं अगर आप ग्रीन टी को अपने मील से पहले लेते हैं तो ये आपको ओवर ईटिंग से बचाती है आपको ज़्यादा खाने से ये रोकते हैं तो आप यू नो आप फीलिंग महसूस करते हैं तो आप ज़्यादा नहीं खाते और अगर आप इसको अपनी मील के 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा बाद लेते हैं तो ये आपकी जो डाइजेशन है इस प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं और जो खाना आप खा रहे हो उसको बहुत अच्छी तरह से ये डाइजेस्ट करती है तो ग्रीन टी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज ग्रीन टी को कंज्यूम करें और इसको अपने डाइट में शामिल करें सो गाइस यही थे मेरे 7 स्टेप्स जिसको फॉलो करके मुझे ये रिजल्ट मिली है और आई होप ये सारे स्टेप्स अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आपको भी डेफिनेटली यही रिजल्ट्स मिलेंगे और हेल्दी तरीके से आप अपना